नमस्कार, चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किसान मेले में मैं डॉक्टर शिखा अहलावत कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आज यहाँ आप सभी से फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी तथा फिश प्रिजर्वेशन और कुछ वैल्यू एडेड फिश प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फिश तथा फिश प्रोडक्ट्स की डिमांड आजकल पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनमें इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशनल कंपोनेंट जैसे हाई क्वालिटी प्रोटीन, आवश्यक विटामिन तथा खनिज और हेल्थी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हाई अमाउंट में होते हैं। लेकिन हाईली न्यूट्रिशियस होने के साथ साथ फिश तथा फिश प्रोडक्ट के बहुत जल्दी ख़राब होने की संभावना भी रहती है। इसलिए फिश को पकड़ने से लेकर इनको उपभोक्ता तक पहुंचाने तक इनकी क्वालिटी को प्रॉपर प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग द्वारा बनाए रखना पड़ता है। इसके अलावा फिश प्रोसेसिंग के और भी उपयोग हैं, जैसे कच्चे फिश मीट के खाने योग्य तथा उपयोग में लाने योग्य अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। जल्दी ख़राब होने वाले प्रोडक्ट को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। रेडी टू कंज्यूम प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिससे उन्हें पकाने का समय बचता है और एक जगह से दूसरी जगह तक बिना ख़राब हुए आराम से भेजा जा सकता है। इसके अलावा रोज़गार के नए साधन उत्पन्न कर सकते हैं और किसानों की आय को भी बढ़ा सकते हैं। अब हम प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें पहला है चिलिंग। नॉर्मली जो हम फिश पकड़ कर लाते हैं उनको बर्फ़ में 1 से 4 डिग्री पर रखते हैं और बर्फ़ के साथ ही इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसमें से जल्दी ख़राब नहीं होते और इनकी फ्रेशनेस बनी रहती है। दूसरा मेथड है फ्रीजिंग। इसमें जो फिश तथा फिश प्रोडक्ट हैं उनको -35 डिग्री तक हम फ्रीज करते हैं, जिससे उनके अंदर जो पानी होता है वो बर्फ़ में बदल जाता है और ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होते हैं। अगला मेथड है वैक्यूम पैकेजिंग। इसमें हम पैकेट में से सारी एयर निकाल देते हैं और पैकेट को सील कर देते हैं। एयर निकालने से पैकेट में ऑक्सीजन नहीं रहती, जिससे इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होती है और प्रोडक्ट्स की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अगला मेथड है ड्राइंग एंड साल्टिंग मेथड। ये फिश प्रोसेसिंग के काफ़ी पुराने मेथड्स में से एक है और काफ़ी कारगर भी है। इसमें फिश को पकड़ने के बाद उनको धूप में नमक लगाकर सुखाते हैं, जिससे उनके अंदर मौजूद पानी सूख जाता है और ये लंबे समय तक उपयोग किए जा सकते हैं। अगला मेथड है स्मोकिंग। स्मोकिंग में फिश को धुएं के साथ सुखाते हैं और इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और ये लंबे समय तक ख़राब भी नहीं होते हैं। और इसके बाद है रिटॉर्ट पाउच प्रोसेसिंग मेथड। इसमें आपने देखा होगा जैसे कि टोमेटो सॉस और मेयोनी के पाउच आते हैं, उसी की तरह फिश की पाउच प्रोसेसिंग के फिश के पाउच जो है वो पैक करे जा सकते हैं। इसके अलावा और भी प्रिजर्वेशन के नए मेथड्स हैं, जैसे एक्सट्रूशन, इरेडिएशन, ओमिक हीटिंग मेथड, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, अल्ट्रासाउंड प्रोसेसिंग, बायो प्रिजर्वेशन एक्सेट्रा। फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी द्वारा हम कुछ प्रोडक्ट्स भी तैयार किए कर सकते हैं, जैसे कि जिससे हमारी इनकम बढ़ाई जा सकती है। इसमें है फिश पिकल, फिश कटलेट, सैंडविच, फिश समोसा, फिश मोमोज और फिश कबाब एक्सेट्रा। आशा करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद।